हेलो फ्रेंड, किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कोथिन बड़ी का नाम तो कई बार सुना होगा। ये गुजरात की एक फेमस डिश है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं आपको कोथिन बड़ी बनाने का ऐसा उपाय टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप घर में बिल्कुल आसान तरीके से कोथिन बड़ी बना लेंगे। साथ ही साथ ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत अधिक हेल्दी होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। कोथिन बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग जार में एक चम्मच साबुत सौंफ ली है, एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा और ये दो तीन हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और सभी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हटाकर अलग रख देंगे। और ये मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है। गुजरात में धनिया को कोथिन बड़ा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कोथिन बड़ी कहा जाता है। धनिया को मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया था और इसके मोटे वाले डंठल निकालकर अलग कर दिए थे। पतले वाले डंठल आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसे चाकू की हेल्प से हम बिल्कुल महीन काट लेंगे। और ये देखिए, मैंने पूरे धनिया को बिल्कुल महीन काट लिया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, अब इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसके साथ साथ इसमें थोड़े से पिसे हुए मसाले डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और ये मैंने 1/4 कप सेसम सीड लिए हैं या फिर तिल लिए हैं, इसे डाल देंगे। अब इसमें अपना हरा धनिया डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोथिन बड़ी को टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम एक इसका टाइटो बना लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि धनिया भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टाइट डो बना लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसका एकदम टाइट डो बना लिया। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच गरम तेल डाल दिया है, इससे हमारी कोथिन बड़ी और सॉफ्ट बनेंगी। और ये देखिए, हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने एक केक टिन ली है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम ग्रीस कर देंगे। अब अपना सारा कोथिन बड़ी का मिक्सचर केक टिन पे डाल देंगे। और इसे अच्छे से फ्लैट कर देंगे ताकि सब तरफ एक सा मिक्सचर आए। अब इसके ऊपर थोड़े से फिर से सफ़ेद वाले तेल डाल देंगे और इसे भी हाथ से अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब मैंने गैस पर एक स्टीमर में पानी गर्म होने रख दिया था। स्टीमर में एक कटोरी या रिंग रखकर आप उसके ऊपर अपनी केक टिन को रख दीजिए और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर स्टीम होने दीजिए।
15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी कोथिंबरी बड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। एक चाकू लगाने पर बिल्कुल साफ चाकू निकल रहा है। इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे और ये देखिए हमारा मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसके किनारे किनारे थोड़ा सा चाकू लगा देंगे जिससे ये आराम से निकल जाए। थोड़ा सा टैप करने पर ही ये आराम से निकल जाएगा। और ये देखिए हमारा पूरा मिक्सचर आराम से निकल गया है। अब इसके छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा गर्म है लेकिन आप इसको बिल्कुल ठंडा करके ही काटिएगा। इस सारे पीसेस को निकाल कर अलग कर लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से इसके पीस पक गए हैं। एक एक पीस को हम निकाल कर अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे इसके पीसेस निकाल कर अलग कर लिए हैं। अब इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम मैंने गैस पर एक पैन लिया है। इस पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं चाहते हैं तो आप जो भी कुकिंग ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। और इसमें अपनी सारी कोथिंबरी डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने आज इन्हें शैलो फ्राई ही किया है। और इन्हें पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। एक बार में जितनी कोथिंबरी आ जाए उतना उन्हें तल लीजिए और पलट पलट के सारे कोथिंबरी को अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स ये बाहर से जितनी क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। एक बार इस तरीके से कोथिंबरी बनाकर देखिएगा। मात्र 10 से 15 मिनट में आपकी कोथिंबरी बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए कितने अच्छे से सेक रही हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। सारी कोथिंबरी अच्छे से सिक गई हैं। इन्हें निकाल कर बाहर कर लेंगे। अब इसी पैन में अपनी बची हुई कोथिंबरी को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारी कोथिंबरी अच्छे से सेक ली हैं और कितनी अच्छी लाल हुई हैं। एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनी हुई हैं। इन्हें टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स खाने में तो ये टेस्टी हैं, साथ ही साथ बनाने में भी बहुत आसान है। एक बार इन्हें इसी तरीके से बनाकर देखिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आए, जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।